आज हम अपने शो में एक ऐसे महान इतिहासकार की बात करेंगे जिसने अपना काम पूरी प्रतिबद्धता और प्रोफेशनल तरीके से करते हुए हमारे समाज के मुद्दों पर बहुत बड़ी रोशनी डाली। वैसे तो हमारे जो एकेडमिशियंस, अकादमिक लोग होते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले, वो अपने विषय से संबंध रखते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं, पर कुछ कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं जो समाज के बारे में प्रतिबद्धता रखती हैं, और अगर उनके विषय से समाज का संबंध है तो उस पर वो एक गहरी राय, जिसका आधार वैज्ञानिक सोच, जिसका आधार ऐतिहासिक सोच होता है, उसको सामने रखने की बात करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रोफेसर द्विजेंद्र नारायण झा की, जो एक महान इतिहासकार थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, जिनकी दुर्भाग्यवश मृत्यु 4 फरवरी को हुई। प्रोफेसर झा जो अपने काम में काफी गहरे रूप से बंधे हुए थे, उन्होंने कुछ ऐसे मुद्दों पर अपना रिसर्च सामने रखा जिससे सामाजिक आंदोलन एक लोकतांत्रिक समाज के लिए, सामाजिक आंदोलन एक धर्मनिरपेक्ष समाज के लिए, इसको अपनी बातों को रखने में ज्यादा मजबूती मिली। प्रोफेसर झा ये उन इतिहासकारों में से हैं जो सबूत के सिवा किसी बात को स्वीकार नहीं करते, और अपनी बात को रखने के लिए ऐतिहासिक प्रमाण, जो किताबों के माध्यम से हो, ग्रंथों के माध्यम से हो, उसके आधार पर अपनी बात को रखते हैं। तो ऐसे कुछ मुद्दों की मैं बात करूंगा जो प्रोफेसर झा ने सामने रखी और जो हमारे सामाजिक आंदोलन के लिए, एक सकारात्मक सामाजिक आंदोलन के लिए हमारे लिए काफी कारगर सिद्ध हुई। इसके पहले मैं एक और बात भी आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जहाँ भारत में एक तरफ भारतीय राष्ट्रवाद जो सब धर्मों को समावेश करके, सब लोगों को समावेश करके इंक्लूसिव तरीके से यहाँ की बहुल्यता को मानता है और यहाँ सब लोगों को बराबरी का अधिकार है ये मानकर आगे चलता है, वैसे ही दो प्रकार के राष्ट्रवाद और भी निकले थे, एक मुस्लिम राष्ट्रवाद, एक हिंदू राष्ट्रवाद। ये दोनों प्रकार के राष्ट्रवाद जो धर्म के नाम से अपना आवरण लेते हैं, उसके पीछे अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति भी थी, और ये जो संकीर्ण राष्ट्रवाद हैं, मुस्लिम राष्ट्रवाद या हिंदू राष्ट्रवाद, इनकी जड़ें उन पुराने वर्गों में हैं जो औद्योगिकीकरण के पहले समाज में रहते थे। खैर, मुख्य रूप से वो देश को एक धर्म के लोगों का बताते हैं, एक धर्म की संस्कृति से जोड़ते हैं, और उसमें भी संकीर्णता से, वो पूरे धर्म के लोगों को भी नहीं लेते, संकीर्णता से समाज के केवल ऊंचे तबके के लोगों के आधार पे ही अपनी राजनीति करते हैं। तो इसमें भी हमने देखा कि इतिहास का बहुत उपयोग किया गया, रादर इतिहास का दुरुपयोग किया गया सांप्रदायिक राजनीति द्वारा, और इस इतिहास को ऐसा प्रस्तुत किया गया सांप्रदायिक ताकतों द्वारा जिसके कारण हिंदू और मुसलमानों के बीच में नफरत फैलाई गई। वैसे मुस्लिम सांप्रदायिकता तो एक तौर से ज्यादातर आजादी के आंदोलन के बाद, आजादी के मिलने के बाद मुस्लिम सांप्रदायिकता का ज्यादा नकारात्मक प्रभाव पाकिस्तान में हुआ। भारत में हिंदू राष्ट्रवाद की राजनीति ने इस प्रकार की बातें की, इतिहास को ऐसा तोड़ मरोड़ कर सामने रखा जिससे दो बड़े धर्मों के बीच में एक प्रकार की खाई पैदा हो, नफरत पैदा हो, दंगे करवाए जा सकें, और दंगों के आधार पे, ध्रुवीकरण के आधार पे वो सत्ता में आ सकें, ये हमने इतिहास में देखा है। तो उन्होंने ऐसी कई चीजें जब की तो हमारे कई इतिहासकारों ने उनको नकारने के लिए, उनकी बातों को गलत सिद्ध करने के लिए, उनकी बातें निराधार करने के लिए अपने काम को सामने रखा, और प्रोफेसर डी एन झा उन महान इतिहासकारों में से एक है। तो उन्होंने कुछ मुद्दे, जो मैंने जैसे कहा कि कुछ मुद्दों को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, जैसे एक आपको याद होगा बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद, और ये बहुत आक्रामक तरीके से कहा गया
कि वहां जहां बाबरी मस्जिद खड़ी है वहां एक मंदिर था, मंदिर भगवान राम का था, भगवान राम का जन्म वहीं हुआ था। और इसके आधार पे ये कहा गया कि बाबर ने उस मंदिर को तोड़कर वहां एक मस्जिद बनवाई, या वहां एक मस्जिद बनवाई। तो इसके आधार पे जब देश में ध्रुवीकरण किया जा रहा था, दंगे फैलाए जा रहे थे, तो उस समय प्रोफेसर झा जो मूल रूप से प्राचीन भारत के इतिहासकार हैं, जिन्होंने मध्ययुगीन इतिहास पे भी काम किया, उन्होंने बाकी तीन इतिहासकारों के साथ मिलकर एक रिपोर्ट बनाई, रिपोर्ट टू द नेशन, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट। ये रिपोर्ट में उन्होंने बहुत स्रोतों का सहारा लिया, उन्होंने ऐतिहासिक संदर्भ लिए और आर्कियोलॉजी के प्रमाण लिए, इतिहास के प्रमाण लिए, और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वहाँ जहाँ मस्जिद है वहाँ पहले कोई राम मंदिर था, इसका कोई सबूत नहीं है। वहाँ कोई मंदिर था, इसका कोई सबूत नहीं है, और भगवान राम का जन्म वहीं हुआ था, इसका भी सबूत नहीं है। खैर, कोर्ट ने उनकी बात को केवल एक राय, ओपिनियन के रूप में रख के इतना स्वीकार नहीं किया, पर बाद में कोर्ट जिस निष्कर्ष पर आया वो निष्कर्ष यही था। कोर्ट ने जब इस बात को माना कि 6 दिसंबर 1992 को जो हुआ वो अपराध था, और उसने ये भी बात सामने कही कि वहां मंदिर होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता, भगवान राम का जन्म वहीं हुआ था ये प्रमाण भी नहीं मिलता। खैर, सांप्रदायिक ताकतों ने दूसरा जो बहुत बड़ा मुद्दा उठाया जिसने देश को झकझोर दिया, और खास तौर से मुस्लिम और दलित समाज पर एक कहर टूट गया, वो था गौ माता, पवित्र गाय के नाम पर एक मुद्दा उठाया गया था, शुरू से उठाया गया था, जो बाद में कुछ पिछले 20-25 सालों से उसको तेज किया गया। तो प्रोफेसर झा ने इस पर एक बहुत महत्वपूर्ण किताब लिखी, द मिथ ऑफ होली काउ, यानी पवित्र गाय के बारे में मिथक क्या है। अब ये किताब में उन्होंने हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, वेद, उपनिषद और बाकी, उनके आधार पे इस बात को सिद्ध किया कि गाय की पवित्रता ये कुछ सदियों पुरानी है, गाय की पवित्रता कुछ सदियों पुरानी है। और वैदिक काल में तो बीफ खाया जाता था, वैदिक काल में उसकी बलि दी जाती थी, कोई मेहमान आया तो उसके लिए भी बनाया जाता था, और गाय की बलि देना उस समय एक प्रेस्टीज की बात थी, एक अपने समाज में ऊंची इज्जत की बात थी, ये बात उन्होंने सिद्ध करके कही। और अगर आपको याद होगा तो यही बात दो और महान व्यक्तियों ने कही, उसमें एक थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने अपने अध्ययन के आधार पर किताब लिखी हू वेयर द शूद्र, शूद्र कौन थे, और उसमें उन्होंने इसी प्रकार से वैदिक काल में बीफ, गाय के मांस का सेवन, का सेवन होता था, इसकी बात रखी। ऐसे ही स्वामी विवेकानंद ने भी ये बात को अपनी रचनाओं में कहा कि वैदिक काल में गाय का मांस खाया जाता था, और उसको उन्होंने पूरे संदर्भ के साथ कही। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण इंटरवेंशन था, सब पॉलिटिकल इंटरवेंशन था, जिसमें प्रोफेसर झा ने ये किताब को लिखा, और ये किताब को हिम्मत से लिखा। हिम्मत से लिखा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस किताब के बाद उन्हें बहुत सारी धमकियां मिली कि हम तुम जान से मार दिए जाओगे वगैरह वगैरह, उनको बार बार फोन कॉल आते थे, पर उसकी परवाह न करते हुए वो अपनी बात पर डटे रहे, जो सच्चाई का आधार था और जो इतिहास का आधार था उसको लेकर उन्होंने हमेशा अपनी बात को सामने रखा। अब इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि एक और बहुत मिथक फैलाया जाता है कि मुसलमान राजा इतने अत्याचारी थे, इतने आक्रामक थे, कि उन्होंने हमारी महान नालंदा विश्वविद्यालय की विरासत को समाप्त कर दिया। अब ये बात काफी, जो संघ परिवार के साथ पहले चलते थे समांतर, अरुण शौरी ने भी एक बात इस बात को लिखा, और डी एन झा ने अरुण शौरी के जवाब में लिखा कि जो उनके स्रोत थे उसका सहारा लेके, कुछ तिब्बतियन स्रोत और कुछ यहाँ के स्रोत का सहारा लेके, डी एन झा बताते हैं कि बख्तियार खिलजी, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ा, वहाँ की लाइब्रेरी को जलाया,
उसके अलग जाकर नियंजा पूरे प्रमाण से सिद्ध करते हैं कि बख्तियार खिलजी ने भले ही दूसरे चीजों को नष्ट किया होगा, पर जहाँ तक नालंदा विश्वविद्यालय का सवाल है, ये ब्राह्मणों और बुद्ध के बीच में झगड़े का परिणाम था। खासतौर से जैसे अम्बेडकर जी भी लिखते हैं कि बुद्ध धर्म के खिलाफ जो प्रतिक्रांति हुई उसमें ब्राह्मणवाद मजबूत हुआ, और उसी प्रक्रिया के चलते कुछ इन लोगों ने नालंदा विश्वविद्यालय पर हमला किया, और नालंदा विश्वविद्यालय के साथ साथ वहाँ जो एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, 7 मंजिला लाइब्रेरी थी, बहुत बड़ा किताबों का कलेक्शन था, उसको भी इन्होंने जलाया। तो इसका बख्तियार खिलजी से लेना न होकर यहाँ की जो ब्राह्मणवादी प्रतिक्रिया बुद्ध धर्म के खिलाफ थी उस कारण से इसका ध्वंस किया गया, और ये मेरे ख्याल से उनका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है जो हमें इस बात की सोचने की शक्ति देता है। क्योंकि बख्तियार खिलजी को आज के मुसलमानों से जोड़ा जाता है, जबकि आज के मुसलमानों को उनसे कोई लेना देना नहीं है, पर एक ये इशारों में मुसलमान राजाओं के बुरे काम को आज के मुसलमानों से जोड़कर आज के मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का काम बहुत ज्यादा किया जाता है, ये उससे संबंधित है। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी बात हुई, और दूसरी एक दूसरी बात एक हुई होगी, आपको याद होगा कि आरएसएस के पूर्व प्रचारक प्रमोद मुतालिक का एक संगठन था जिसका नाम था श्री राम सेने, और श्री राम सेने ने एक बार मैंगलोर के पब में जो लड़कियां पब से वापस आ रही थी उन पर हमला किया, और उनका आधार था कि लड़कियों का इस प्रकार से मदिरा का सेवन करना ये हमारी परंपरा के खिलाफ। तो पहले तो उन्होंने मृणाल पांडे जी के साथ मिलकर एक लेख लिखा और इस बात को सिद्ध किया कि ये बात पूरी गलत है, और उसी के बाद उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण किताब लिखी, द इमॉर्टल ड्रिंक शायद ये उनकी आखिरी किताब है, और इमॉर्टल ड्रिंक में करीब डीएन झा बहुत महत्वपूर्ण तरीके से बताते हैं कि उस काल में, और उनका आधार जो है वो वेद है, रामायण है, महाभारत है, उस काल में 50 प्रकार की मदिरा का उत्पादन किया जाता था और स्त्री और पुरुष दोनों इसका सेवन करते थे। अब इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि हमने सोमरस के बारे में भी सुना है और इसके बारे में भी सुना है, और इस आधार पे जो लड़कियों की स्वतंत्रता को रोकने का अभियान श्री राम सेने जो आरएसएस के पूर्व प्रचारक प्रमोद मुतालिक द्वारा बनाई गई थी, वो एक यहाँ की सांप्रदायिकता को मजबूत करने के लिए, दूसरी तरफ स्त्रियों को पितृ सत्तात्मक कैद में डालने के लिए थी, क्योंकि सांप्रदायिक राजनीति हमेशा पितृ सत्तात्मक मूल्यों पर चलती है जो स्त्री को द्वियम दर्जा देते हैं। इसीलिए उन पर ये जो हमला हुआ, लड़कियों पर जो हमला हुआ, तो उसके जवाब में भी डीएन झा साहब की ये किताब बहुत महत्वपूर्ण है, द इमॉर्टल ड्रिंक। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि भारत में बहुत सारे इतिहासकारों ने इस प्रकार से सामाजिक आंदोलन को एक आधार दी है, दिशा दी है, उसमें बहुत सारे नाम हैं, और उन्हीं नामों में प्रोफेसर डीएन झा का भी नाम अमिट रहेगा, अमर रहेगा, और वो हमेशा हमारे आंदोलन को एक मजबूती देने का एक संबल रहेंगे, आधार रहेंगे, और उनके उनकी रचनाएं, उनका लेखन जो वैज्ञानिक आधार पे है, जो सबूतों के आधार पे है, वो हमें आगे भी मार्गदर्शन करता रहेगा। उनकी रचनाओं के रूप में डीएन झा जिंदा रहेंगे, और उनकी रचनाओं के माध्यम से हम अपने आंदोलन को ज़्यादा मजबूती से चला पाएंगे। आपका बहुत धन्यवाद, आपकी राय का बहुत स्वागत है, उनकी राय उस आपकी राय के आधार पर हम अगले कार्यक्रमों में दिशा देने की कोशिश करेंगे। आपका धन्यवाद, थैंक यू।